नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपका स्वागत करता हूं आनव क्रिएशंस में। आज हम एक्सेल का एक नया फॉर्मूला कम क्लास लेकर आए हैं आप सबके लिए। कैलेंडर बनाएंगे आज हम एक्सेल से। बहुत छोटी सी क्लास रहेगी, बट इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ है। आप अपना क्रिएटिविटी डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट वीडियो समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे मैंने आपको दिखाया है हम एक्सेल में ब्लैंक बुक में काम करते हैं, आज मैं आपको यहां दिखाऊंगा। आपको यहां पे एक टेम्पलेट मिल जाएगी, जिसके पास नहीं है वो यहां मोर टेम्पलेट्स में डाउनलोड करके अपना डाउनलोड कर सकता है, सीजनल फोटो कैलेंडर या किसी भी तरह की टेम्पलेट्स। मेरे यहां डाउनलोड नहीं है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। मैं कोशिश करता हूं अगर मेरा नेट चल जाए तो मैं आपको ये डाउनलोड करके दिखा दूं। ये मेरा नेट चल चुका है और ये डाउनलोड हो चुकी है। बहुत छोटी सी टेम्पलेट है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे आपको मालूम है अभी 2019 चल रहा है, तो ये 2019 का टेम्पलेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेम्पलेट होना और उसमें काम करना ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए ये एक इमेज फाइल है एक्चुअली। यहाँ पे लिंक असाइन एडिट टेक्स्ट ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास। अगर आपको इसको एडिट करना है तो आपको एक नई इमेज यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो ही आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट नहीं होगी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इज इक्वल टू कॉमा शुरू जनवरी कॉमे बंद एंड कैलेंडर ईयर 2019। ठीक है, आप यहाँ पे जनवरी की जगह पे आप यहाँ पे जैन कर सकते हो, तो ये जैन 2019 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज इक्वल टू वीक स्टार्ट, वीक आपने यहां पे लिखा हुआ है, ईयर इज इक्वल टू 2019, वीक स्टार्ट संडे। यहां पे आपने कस्टम सेटिंग्स बना रखी हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहां पे आपने उस चीज को कॉल के लिए है, इज इक्वल टू वीक स्टार्ट दिस वन। ठीक है, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ी सी आपको वायरस वैसे सी आएगी। ठीक है जी, तो ये इज इक्वल टू वीक स्टार्ट है, तो इसने यहां से कॉल किया है, तो उसके बाद इसने यहां पे फॉर्मूला लगाया है, इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू C4 कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू 4 times D इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसे ही ये D4, ये A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। ठीक है, EFGH ऐसी तरह से करते करते आगे आती है डेट। ठीक है, डेट के लिए ये एज इट इज फॉर्मूला आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यहां से कॉपी कर लीजिए, जैसे भी आपको करना है। मैं ऐसे करता हूं, आपको ये फॉर्मूला उसमें दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको एज इट इज यहां से कॉपी कर सके। ये हर चीज के लिए डिफरेंट रहेगा वैसे बेसिकली। देखिए यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है। ठीक है, बट इसमें यहां पे देखिए सेम कॉपी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा बना रखा है। क्या कहता है, इज इक्वल टू डेज एंड वीक्स, डेज और वीक्स को बराबर करेगा ये, प्लस डेट को प्लस करेगा ये, कैलेंडर ईयर कॉमा वन कैलेंडर ईयर को देख लेगा, उसके बाद कॉमा वन माइनस वीकडे को माइनस करता जाएगा, डे प्लस होती जाएगी, वीक डे माइनस करके आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, वीक स्टार्ट इज इक्वल टू मंडे, वीक स्टार्ट देख लेगा कि मंडे से कहां से स्टार्ट हुआ है, उस हिसाब से जो भी डे है उसको लास्ट में प्लस वन कर देगा, कि ओवरऑल ये प्लस वन में ही जाना चाहिए। ठीक है, ये हर जगह पे सेम फॉर्मूला लगा हुआ है। देखिए फरवरी में भी सेम ऐसी चीजें ही लगी हुई है, बट द थिंग इज छोटा सा आपको देखना पड़ेगा, यहां पे कैलेंडर ईयर 1.1 लिखा हुआ है, फरवरी में यहां पे 2.1 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फरवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। क्लियर, ऐसे ही आप अप्रैल में जाएंगे आपको यहां पे 3 मिल जाएगी। ठीक है, आप यहां से अप्रैल में जाएंगे, यहां से आपको 4 मिल जाएगा, यहां जून में चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली यहां पे एक समर की इमेज फाइल बनी हुई है, ये स्प्रिंग की फाइल हो गई है। मई में स्प्रिंग सीजन होता है, मार्च अप्रैल मई में स्प्रिंग सीजन होते हैं,
जून इज ए विंटर सॉरी समर सीजन, जून जुलाई अगस्त जो सितंबर होता है वो फॉल सीजन होता है, उसमें मतलब पतझड़ आ जाती है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से दोबारा से विंटर शुरू हो जाती है, दिसंबर हर चीज तीन तीन महीने की। दिसंबर जनवरी फरवरी इज ए विंटर, मार्च अप्रैल मई इज ए स्प्रिंग, जून जुलाई अगस्त इज ए समर, सितंबर अक्टूबर नवंबर इज ए फॉल सीजन। ठीक है, ये आपको ऐसी ही इमेज ऐसे अच्छी भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको एक बार कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जो मंथ है वो आप यहां पे चेंज करते रहिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।